आज मुरलीधर बाग का जो हाउस ऑफ ईडीएचके का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, कई सालों से यहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब घर बनेंगे और कब हमें आसरा मिलेगा। 2007 में डिमोलिश हुआ, एक साल डेढ़ साल में कंस्ट्रक्शन करके हाउसेस देने का वादा था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, कई कॉन्ट्रैक्टर्स बदले, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया। चलो आज सबको घर मिल रहे। और इस इनॉग्रेशन के लिए तेलंगाना राज्य के हमारे होम मिनिस्टर जी पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे तरसानी श्रीनिवास जी जो सबके सेवा में रहते हैं, ना पार्टी देखते ना कुछ देखते। भाई मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक मिनिस्टर हूं, मेरे पास जो आता है उसकी मैं सेवा करता हूं। बहुत अच्छी सोच रखकर हमारे तलसानी जी आगे बढ़ते हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे प्रभाकर जी जो हमारे मित्र एमएलसी है, वो भी यहां पर पधारे, उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मंच पर जितने भी अधिकारीगण यहां पर उपस्थित है, उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं अन्ना को आज ये कहना चाहूंगा, आज इनकी जो खुशी है ये लोग बयान नहीं कर सकते, उतने ये लोग खुश है। क्योंकि किराया बनते 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 इतने ये लोग तंग हो गए थे किराया बनते हुए, और आज घर मिल रहा है, ये लोग बहुत खुश है। एक केस ऐसा भी आया ना, जैसे लोग बाहर किराए में रहते थे, किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत ही मुझे दुख होता है बोलते हुए कि वो मकान मालिक कहता है कि आपको यहां पर शव यात्रा हम निकालने नहीं देंगे। और फिर वो लोग यहां पर लाकर यहां से शव यात्रा निकाले और यहीं पर जो 10 दिन का जो प्रोसेस होता है वो लोग यहीं करे। ये बहुत दुखी की बात है। जो भी लोग इस प्रकार का कार्य करे, देखो हर इंसान के घर में खुशी भी होती है और गम भी होता है। भगवान ना चाहे आपके घर में अगर ऐसा कुछ हो, अगर आपको कोई इस प्रकार का कोई काम करे तो कितनी तकलीफ होगी। ये जितने भी लोग हैं ना, बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत करके खाना इनका ही उद्देश्य है और बहुत ही मेहनती लोग हैं। और मैं हमारे मिनिस्टर जी से आज ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस ये तीन ब्लॉक है ABC, ये तीन ब्लॉक के मेंटेनेंस के लिए कुछ मड़ियों का निर्माण किया गया। तो जैसे अधिकारीगण बोल रहे थे कि ओपन ऑक्शन लगाएंगे, तो ओपन ऑक्शन ना लगाते हुए, जैसे ये लोग फ्रूट का काम बहुत करते हैं ना, आज आप देख लीजिए मौजमजा मार्केट हो या बार हो, बाहर साइड में भी फ्रूट का जो काम करते हैं यही समाज के लोग करते हैं। तो जो 10-12 जो भी मड़िया है, अगर इन्हीं में से अगर अलॉटमेंट करेंगे, जो भी इन्हीं में से अगर आइडेंटिफाई करके देंगे, तो इनका एक वादा है, कमेटी मेंबर्स का एक वादा है कि हम पूरा करंट बिल हो या जो भी मेंटेनेंस हो बिल हो, हम सब मिलकर कर लेंगे। लेकिन जो मड़िया है, अगर हम में से ही किसी को आइडेंटिफाई करके हम में से ही किसी को ऑक्शन में अगर देते हैं, तो बहुत अच्छा, हमें एक नया बिजनेस भी मिलेगा और ये क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, बोलकर इनका एक निवेदन है। तो मैं हमारे मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय पर आप विचार करें। यही मेंबर्स के लिए अगर आप ये मड़िया अलॉट करेंगे तो ये बहुत बड़ी इनके ऊपर मेहरबानी रहेगी। और साथ ही साथ मैं आप सबसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, ये मकान अब आपके लिए है, इसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है और इसको क्लीन रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे घर को, हमारे अड़ोस पड़ोस या भी जो भी क्षेत्र है, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, ये सरकार मेंटेन नहीं करेगी। आज के बाद सरकार का काम खत्म हो जाएगा। ये अलॉटमेंट होने के बाद में मेंबर्स ही इसको मेंटेन करेगी, अच्छा बुरा जो भी होगा कमेटी मेंबर्स देखेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रहे कि हर गरीब को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एवं तेलंगाना सरकार की ओर से जो 2BHK जो दोनों मिलकर जो ये 2BHK जो घर बना के आपको दे रहे हैं, इसको आपको अच्छे से संभालना है और अच्छे से लेकर चलना है। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं हमारे मिनिस्टर जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी बस्ती थी ना, लेकिन बाजू और 35-40 हाउसेज रहते, वो समय पर शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप आया, वो लोगों ने कहा कि हमें 2BHK नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअली चाहिए, तो वो कारण से बाजू की बस्ती पूरी छूट गई। आज भी ना अगर अपन बाजू बस्ती में जाएंगे तो बहुत ही बुरी परिस्थिति में रह रहे, जिस प्रकार से ये लोग रहते थे उसी प्रकार से वो लोग भी रह रहे। उनको 35-40 मकान है, उनके लिए भी जैसे तेलंगाना सरकार द्वारा एक नई स्कीम निकली है, हर घर को 3 लाख रुपए, अगर 3 लाख देंगे तो वो लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो लोगों को 2BHK तो शायद वो लोग नहीं मानेंगे, अगर घर को हम 3-3 लाख रुपए अगर दे देंगे, वो लोग इंडिविजुअल घर बनने के लिए तैयार है ना। इस विषय में भी अगर आपको उनको आशीर्वाद मिलेगा, वो भी घर बना सकते हैं ना। धन्यवाद।
తెలంగాణం.